गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है कन्वर्जन बिटवीन टी एंड पाई सेक्शन, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का जो पेपर चल रहा है अपना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इसमें अपन ने पिछले लेक्चर में टी तथा पाई सेक्शन को आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये अपन ने देखा था। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, कुछ एग्जाम्पल अपन आज और देखते हैं। तो लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। अपने पास में एक सर्किट दिया हुआ है, दो ओम ये पॉइंट अपन मान लेते हैं ए और ये पॉइंट बी। ए तथा बी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है, तो इसे सोल्व करने की हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने पास में ये जो सर्किट दे रखा है ये डेल्टा सर्किट दे रखा है, पाई सर्किट दे रखा है, इस पाई सर्किट को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार नेटवर्क में चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्टार नेटवर्क में इसको चेंज करते हैं। इसको अपन ने मान लिया Z1, ये Z2 और ये Z3। तो जो पिछले लेक्चर में अपन ने कन्वर्जन पढ़ा था उसका अपन उपयोग करेंगे कि अपने पास में जो पाई नेटवर्क होता है, पाई नेटवर्क और पाई नेटवर्क के जो कंपोनेंट होते हैं अवयव वो होते हैं अपने Za, Zb और Zc। एक टी नेटवर्क है अपने पास में और टी नेटवर्क के कंपोनेंट है Z1, Z2, Z3। अगर अपने पास में Za, Zb और Zc के मान दिए हुए, मान लेते हैं कि ये अपने पास में दिए हुए और Z1, Z2 और Z3 के मान हमें ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये हमें मिलेंगे तभी अपने पास में क्या मिलेगा, टी नेटवर्क मिलेगा। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं Z1। Z1 इज इक्वल टू Z2, Z3, तो 4 × 10 बटा Za प्लस Zb प्लस Zc, 4 × 10 = 14 = 26, ये आ गया अपने पास में 2 ओम। Z2 का मान देखते हैं, Z2 के लिए 4 × 6 ये आ गया 24 बटा 10 + 4 + 6 = 20, ये आ गया अपने पास में 1.2 ओम। Z3 का मान देखते हैं अपन, तो Z3 का मान आ जाएगा अपने पास में 6 × 10 = 60
20 इज इक्वल टू 3 ओम। अब अपन ने जेड वन जेड टू जेड थ्री के मान ज्ञात किए हैं और यहां से अपन क्या करेंगे, इस पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में चेंज करेंगे। आप अलग से डायग्राम बनाओगे इसका, मैं इसी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अपने पास में पाई नेटवर्क था वो किस में चेंज हो गया है, तो वो चेंज हो गया अपने पास में टी नेटवर्क में। तो ये दूसरा सर्किट आप नोट कर लेना अलग से। अब देखो ये जो सर्किट है अपना, इस सर्किट को अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यूं डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा इसको करते हैं कि ये अपने पास में जेड टू है इधर चला जाएगा और ये जेड वन वाला जो अपने पास में वायर है वो इसके साथ में सीरीज में आ रहा है, तो इसको सीरीज में दिखाते हैं जेड वन को। तो जेड वन को अपन ने इसको सीरीज में दिखा दिया, ये है जेड वन, ठीक है, और ये जो वायर है वो जेड टू वाला आ गया अपने पास में, जेड टू, और ये जेड थ्री, ये अपने पास में जेड थ्री का वायर आ गया। जेड थ्री, जेड वन, जेड टू और जेड थ्री के मान हमें पता है, अभी अपन ने ज्ञात किया है। जेड वन का जो मान दे रखा है वो कितना है, 2 ओम। जेड टू का मान कितना दे रखा है अपने पास में, 1.2 ओम, और जेड थ्री का जो मान है वो कितना दे रखा है अपने पास में, 3 ओम, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक सर्किट इसका और बनाते हैं। अब देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो अगला इसका डायग्राम आप बनाओ। दो प्लस दो 4 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 11.2 ओम, ये 4 ओम, चार ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये अपने पास में 2 ओम, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब आप देखो कि ये इसका तीसरा डायग्राम है, पहला डायग्राम, फिर दूसरा डायग्राम, और ये इसका तीसरा डायग्राम, ठीक है। अभी भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, ये अपने पास में 2 ओम दे रखा है। अब देखो ये वेट स्टोन ब्रिज तो बन गया, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, तो पी बटा क्यू 4/3 नॉट इक्वल टू 4/2, इसका मतलब ये वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, नॉट इन बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इस पाई नेटवर्क को फिर से टी नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें से कोई धारा नहीं जा रही है, ये बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी सर्किट में काम आएगा, और काम आएगा तो इधर भी करंट जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फिर से अपन क्या करते हैं, ये जो पाई नेटवर्क दे रखा है, ये पाई नेटवर्क, इस पाई नेटवर्क को फिर से टी नेटवर्क में चेंज करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें काम आती है बेटा, ये पाई को टी नेटवर्क में क्यों अपन ने चेंज किया, इसलिए चेंज किया, ठीक है। वापस इसको क्या माना अपन ने, जेड वन, इसको क्या माना, जेड टू, और ये जेड थ्री। जेड वन का मान ज्ञात करते हैं, जेड वन इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 4 × 4, ये आ गया 4 × 16 / 4 + 4 + 11.2,
4 + 4 + 11.2 ये हो गया 16/19.2 और ये आ गया 0.83 ओम। नेक्स्ट Z2 का मान अपन ज्ञात करते हैं। Z2 चार गुणा ग्यारह पॉइंट दो बटा 4 × 4 = 19.2 तो ये अपने पास में आ जाएगा लगभग 2.33 ओम। ठीक है, नेक्स्ट Z3 देखते हैं। 4 × 11.2 बटा 19.2 फिर यही आएगा 2.33 फिर भी अपन देख लेते हैं 8 × 11 = 44 19.2 × 38 × 57 तीन बार जाएगा नहीं 2.33 आ जाएगा ये 2.33 ओम। ठीक है, तो अपन ने Z1 Z2 Z3 अर्थात वापस अपन क्या करते हैं इस नेटवर्क को पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क में अपन ने चेंज किया। यहाँ पर इसके मान लिखता हूँ मैं एक बार। Z1 का मान आ रहा है अपने पास में 0.83 ओम, Z2 का मान आ रहा है अपने पास में 2.33 ओम और ये Z3 फिर से आ रहा है अपने पास में 2.33 ओम। ठीक है, वापस अपन क्या करते हैं अब जो पाई नेटवर्क वो टी में चेंज हो गया तो इसका नया सर्किट बनाते हैं अपन। Z1 Z2 Z3 3 ओम दो ओम पॉइंट बी पॉइंट ए Z1 का मान कितना दे रखा है 0.83 ओम, Z2 का मान कितना दे रखा है 2.33 ओम और ये Z3 का मान भी कितना दे रखा है 2.33 ओम। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया। अब देखो अपन ने जो पाई को किस में चेंज किया था यही नेटवर्क है ये, पाई तो ख़त्म हो गया और वो किस में चला गया टी में चला गया। इसी सर्किट को मैंने यहाँ पर बनाया है, देखो इसको 4 नंबर सर्किट अपन ने कहा। ठीक है, मान यहाँ पर रख दिया अपन ने 2.33। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन हो गया अपना, इसमें थोड़ी सी डेटा है वो पॉइंटों में आ रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस फिर से किसमें आ गए सीरीज में और ये भी इसमें सीरीज में, तो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसका 5वां डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट एट थ्री ओम दोनों को सीरीज में है तो 3 और 2 5 डायरेक्ट अपन ने लिखा 5.33 ओम। इधर देखते हैं 2 और 2 4 ये हो गया अपना 4.33 ओम, ये पॉइंट अपना बी आ गया पॉइंट बी, ये 5वां सर्किट आ गया। फिर से ये दोनों किस में दे रखे हैं अपने पास में पैरेलल में और ये इनके क्या है सीरीज में, तो अब इसका नया डायग्राम अपन बनाते हैं। 0.83 ओम, इन दोनों को पैरेलल क्रम में है तो पैरेलल क्रम में इनका रेजिस्टेंस लिखते हैं डायरेक्ट कितना R = 5.33 × 4.33 /
5.33 प्लस 2 4.33, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हो गया अपना ये वाला रेजिस्टेंस R, ये बिंदु A और ये बिंदु अपना B। इसका जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 5.33 मल्टीप्लाई 4.33 बट्टा ये हो गया 6, 6 से ये आ गया अपने पास में 5, 4, 9। अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज क्रम में है, और ये जो वैल्यू आएगी वो आ रही है अपने पास में 2 पॉइंट लगभग कितनी आ जाएगी 0.83 ओम, और ये रेजिस्टेंस आएगा अपना 2.समथिंग देख लेना आप कितना आ रहा है, 2.6 देखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो लगभग कितना आ जाएगा, दोनों सीरीज में दे रखा है ए और बी, और ए और बी सीरीज में दे रखा है, तो यहाँ पर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आ गया 2.6.83 3, 6, 4, 14, 3 लगभग ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर आप देखना इसका मान कितना आ रहा है और फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखना, ठीक है। ये लगभग मान आ गया अपना कितना, लगभग जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ गया 3.43 लगभग है ये ओम, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, पाई को टी में चेंज किया और इस क्वेश्चन को आसान करते हुए हल कर लिया। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं अपन, नोट करो। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, दिए हुए परिपथ में आई जी का मान ज्ञात कीजिए, आई जी का मान ज्ञात कीजिए। एक सर्किट अपने पास में दिया हुआ है, एक ओम, दो ओम, दो ओम, एक ओम। यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है 2 वोल्ट की, प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये आईजी है और आईजी का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि ये पॉइंट हो गया अपना ए बी सी डी। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है क्या, P बटा क्यू बराबर R बटा S। P 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1, बैलेंस नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इसमें से काम आ रहा है, IG का मान जीरो तो नहीं होगा, नहीं होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ से बैटरी से एक करंट आई कितनी, आई आई में से इधर चलेगी कितनी, I1। अगर इधर I1 चली गई तो इधर कितनी बची, I-I1। I1 में से कुछ धारा किधर चली गई, IG इधर चली गई, तो इधर कितनी बची, I1-IG, ठीक है। इधर से कितनी आ रही है IG, इधर से कितनी आ रही है, ये हो गई अपने पास में I1-IG, I-I1, और इधर से प्लस का IG, और इधर आ रही है अपने पास में वापस, यहाँ पर जो करंट मिलेगी वो I1-IG, ये करंट इधर से आ रही है और ये करंट इधर से आ रही है प्लस का
आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई जी से आई जी कैंसिल, आई वन से आई वन कैंसिल, बचेगा क्या आई, और आई करंट यहाँ से चल रही है तो टोटल वापस कितनी करंट आ गई अपने पास में, आई करंट आ गई। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आई जी का मान ज्ञात करना है। आई जी का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं, और किरचॉफ का नियम किस में लगाते हैं अपन, एक लूप ये मान लेते हैं, पहला लूप कौन सा है, ए बी डी ए, ए बी डी ए में केवीएल लगाने पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम, आई वन गुणा एक आई वन प्लस टेन आई जी, इधर वोल्टेज ड्रॉप माइनस में आ जाएगा, माइनस का टू आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इजिकल टू जीरो, ये आ गया अपने पास में आई वन प्लस टेन आई जी माइनस का टू आई प्लस टू आई वन इजिकल टू जीरो, तीन आई वन माइनस का टू आई प्लस का टेन आई जी इजिकल टू जीरो, समीकरण नंबर एक। नेक्स्ट दूसरा रूप लेते हैं, ये वाला सेकंड लूप, बी लूप बी सी डी बी में केवीएल लगाने पर दो आई वन माइनस आई जी माइनस एक गुणा, तो ये आ गया अपने पास में आई माइनस आई वन प्लस आई जी, एक से गुणा माइनस टेन आई जी इजिकल टू जीरो, दो आई वन माइनस टू आई जी माइनस का आई प्लस आई वन माइनस आई जी माइनस टेन आई जी इजिकल टू जीरो, दो और एक तीन आई वन माइनस का आई माइनस आई, आई वन वाला गया आई वाला गया आई जी आई जी आई जी माइनस तेरह आई जी इजिकल टू जीरो, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो। नेक्स्ट एक लूप लेते हैं अपन, ए डी सी ए लूप, ए डी सी ए में केवीएल दो गुणा आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन प्लस एक गुणा आई माइनस आई वन प्लस आई जी प्लस ए आई जी, ठीक है बराबर दो, दो आई माइनस दो आई वन प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इजिकल टू दो, माइनस का तीन आई वन प्लस का तीन आई दो आई तीन आई, ये आ गया माइनस का तीन आई वन प्लस का आई जी इजिकल टू दो, समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर तीन। ठीक है आगे लिखो, समीकरण एक तथा तीन को जोड़ने पर, एक और तीन को जोड़ेंगे तो माइनस तीन आई वन प्लस का तीन आई प्लस आई जी
इज इक्वल टू 2, ये आ गया कितना आई 11, आई जी इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 4। नेक्स्ट लिखो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर -3i1 प्लस का 3i प्लस आई जी इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर जोड़ते हैं आ गया कितना 2i माइनस का 12 आई जी इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 5, समीकरण 5। ठीक है, और अब अपन क्या करते हैं, इसी समीकरण को क्या लिख सकते हैं, आई माइनस 6i इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 6। समीकरण 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ते हैं, ठीक है, आई प्लस 11i इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 4। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया माइनस का 17i इज इक्वल टू -1, तो ij इज इक्वल टू कितना आ गया, ij बराबर आ गया 1/17 एम्पियर। तो ij का मान कितना आ गया 1/17 एम्पियर, अर्थात 10 ओम से प्रवाहित धारा का मान 1/17 एम्पियर। इस प्रकार से अपन ने टी और पाई तथा किरचॉफ के नियम से संबंधित एग्जांपल किए। नेक्स्ट अगले लेक्चर में, थैंक यू।